कैनेडा बॉर्डर सर्विस एजेंसी का जो इमीग्रेशन होल्डिंग सेंटर है सरी विच, उत्थे 25 दिसंबर नू एक जने ने दम तोड़ दिता जिसनू कि उत्थे हिरासत विच रख्या होया सी, जिस बारे कैनेडा बॉर्डर सर्विस एजेंसी के अधिकारियों ने हुण जानकारी सांझी की है, जिन्हां कहा कि क्रिसमस के दिन उस व्यक्ति नू कुछ इस तरह पाया गया कि कोई जवाब नहीं सी दे रहा। तुरंत एमरजेंसी टीम नू भी बुलाया गया ते मौके दे उत्ते मौजूद स्टाफ ने भी मदद करन दी कोशिश कीती, पर एमरजेंसी टीम ने मौके ते ही उसनू मृतक ऐलान दिता, जिस तों बाद उसके परिवारक मैंबरां नू उसके बारे जानकारी दिती जा रही है, जिस दी पछाण नू जनतक नहीं किया गया, ना ही यह दस्या गया कि वह पुरश सी जां औरत। इत्थे जिक्रयोग है कि इमीग्रेशन होल्डिंग सेंटर विच ज़्यादातर उन्हां नू हिरासत विच रख्या जांदा है जिन्हां दा इमीग्रेशन स्टेटस खत्म हो गया होवे, जां फिर बिना कागजां तों कैनेडा विच रह रहे होण, उन्हां दे उत्ते कोई केस चल रहा होवे, जां कुछ अजिहे मामले जो इमीग्रेशन नाल जुड़े हुए होण, उसदे विच किसे दे उत्ते कोई केस चल रहा होवे, तां जदों तक उसदा फैसला नहीं आ जांदा तां कई वार इमीग्रेशन होल्डिंग सेंटर विच अजिहे प्रवासियां नू रख्या जांदा है। तां अजे तक तां इहो अंदाज़ा लाया जा रहा है कि जिसने दम तोड़िया हो इक प्रवासी ही सी, जिसकी पछाण नू जनतक नहीं किया गया। इस दौरान कैनेडा बॉर्डर सर्विस अधिकारियों का कहना है कि सरी RCMP ते BC कॉर्नर सर्विस के अधिकारी इस मामले की जांच कर रहे हैं, ते नाल ही CBSA वालों भी इस दे उत्ते अपने वालों जांच की जाएगी।